कुल 7 नक्सलियान मारे हो, जिकले की जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद भगवान शौर्य चक्रों भी नवाजे हो। जो हमारे कमांडेंट साहब ने इस्तीफा दिया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और समाज में ऐसे जागरूक आदमी आएंगे तो ये धांधलियां मिटेंगी। कार युवाओं बेरोजगारों के हक में है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। आगे पत्नी सुमन जो कि जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारी हैं, बाको भी यही कहना है कि अगर आकी मांगा पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे, आकी मांग नहीं मानेगी, तो वह भी आने वाला टाइम के अंदर इस्तीफा दे देंगे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। सगले दर्शकन राम राम, स्वागत है थारो जलको झुंझुनू का मां। मेरा नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरा मैन अरविंद। अभी आप मौजूद हैं झुंझुनू शहर को जो जिला कलेक्ट्रेट है बड़े अड्याण के पीछे। कारण यो है कि आज अड़े में थारों एक बात कर सियाँ, बात अपनी होगी भ्रष्टाचार के ऊपर। भ्रष्टाचार थान पर तो है बहुत बड़ी समस्या है, चाहे थे सरकारी विभाग ले लो चाहे प्राइवेट विभाग ले लो, कोई भी चीज़ के अंदर थे देखोगा तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो लगातार चाल तो आ रही है, और हर जगह हर आदमी आपकी ताकत को दुरुपयोग करे है। भ्रष्टाचार के खिलाफ झुंझुनू को एक जवान लड़ाई लड़ रहे है, भी कि आप आज बात कर सियाँ। जो नाम है विकास जाखड़, जो कि झुंझुनू का इंदिरा नगर में रहे और सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट है, जो कि जो धांधली चाल तैयारी है, रीट की भर्ती होगी, फौज की भर्ती होगी और जो बाकी सरकारी भर्ती होगी, बाकी अंदर बाका खिलाफ राष्ट्रपति ने ज्ञापन दियो है और 26 तारीख ने वो ज्ञापन दियो हो। विकमा बाको कहना है कि अगर इन मामले में कोई कार्रवाई नहीं करे सरकार तो वह आपको इस्तीफा दे देगा। इस्तीफो भी सागे ही भेजो है मांगा के साथ। अभी सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ अभी इस्तीफो दियो है जो सरकारी भर्ती बाकी अंदर धांधली के खिलाफ। भी कबार हम थारी कह रहे थे के कहना सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और समाज में ऐसे जागरूक आदमी आएंगे तो ये धांधलियाँ मिटेंगी। सरकार क्या है, सरकार भर्ती एक तो भर्तियाँ ही नहीं निकालती है, और जब भर्तियाँ निकालती हैं तो उनमें ऊपर से सेटिंग हो जाती है और उनमें धांधलियाँ होती है, और ये बेरोजगार युवाओं के लिए दुख भरी स्थिति होती है। वो कोई लोग कई होते हैं बेरोजगार बेचारे गरीब होते हैं, वो अपना काम धंधा छोड़कर गरीब परिवार से आते हैं, वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 4-4, 5-5 महीने उन्होंने काम धंधे छोड़ के वो तैयारी करते हैं, और जब ऐसी भर्ती होती है तो उनके उम्मीद जगती है कि वो हम रोज़गार लग जाएंगे, लेकिन ऐसी धांधली होने से उन लोगों का भविष्य खराब हो जाता है। अभी ताज़ा राजस्थान गवर्नमेंट ने रीट भर्ती निकाली थी, रीट भर्ती में काफ़ी बंदों ने अच्छी तैयारियाँ की और उसमें उन्होंने पैसा भी खर्च किया, तैयारियों में खर्चा भी लगता है, लेकिन जैसे ही वो भर्ती हुई तो उसमें धांधली हुई। खुला खुला लोगों ने पर्चा दिखाया है कि पास आउट, लेकिन उन्होंने सरकार ने इसको रद्द नहीं किया क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। जो बेरोजगार हैं जिन्होंने ख्वाब देखे तो उनके ख्वाब ऐसे के ऐसे ही रह गए। अभी आप ताज़ा देख लो सरकार की इसमें धांधली का सीधा सीधा प्रमाण ये है कि ट्यूशन की आपत्तियां मांगी गई थी, उसका रिजल्ट नहीं आया, जो पहले उन्होंने रिजल्ट ही जारी कर दिया, पहली भर्ती जो 1 महीने में उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। ये इसलिए जारी कर दिया गया क्योंकि सरकारी सिस्टम इसके साथ था, सरकारी सिस्टम को ये पता था कि ये धांधली अगर ओपन नहीं हो जाए, लोग विरोध में ज़्यादा नहीं आ जाए, जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट निकाल दे, रिजल्ट निकाल दे, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो लोग चुप हो गए। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, ऐसे घोटालों के खिलाफ समाज के हर तबके को खड़ा होना है, हर बेरोजगार को खड़ा है, हर युवा को खड़ा होना है। अगर आज युवा नहीं खड़ा होगा तो भविष्य में उनके लिए रोजगार के कोई उम्मीद नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं रहेगी। तो मैं सभी इसी मंच से और झलको झुंझुनू की तरफ से मैं सब युवाओं को बेरोजगारों को यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस मुहिम के साथ जो हमारे कमांडेंट साहब ने इस्तीफा दिया है उनके समर्थन में खड़े हो, सरकार के विरुद्ध ऐसी धांधलियों के विरुद्ध आप समाज के ऐसे जैसे भी आंदोलन आंदोलन का समर्थन करो, उनके साथ हो। और मैं खुद एक पैरा टीचर हूँ, मैंने भी रीट एग्ज़ाम दी थी। हम पिछले 40 दिन से जिला मुख्यालय पे और शमशेर भालूखा के नेतृत्व में शहीद स्मारक जयपुर में हमारा धरना चल रहा है, 81 दिन से चल रहा है और 72 दिन से वो अनशन पे है। सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, सरकार युवाओं बेरोजगारों के हक में है ही नहीं, हमारे साथ शोषण हो रहा है, सरकार शोषण, इस शोषण के लिए सरकार जब चुनाव आया था चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम सभी संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे, लेकिन आज 3 साल गुजर गए, सरकार अपनी 3 बरस की वर्षगांठ मनाई है, हम 75% वादे पूरे कर दिए हैं, लेकिन हमारे लिए एक वादा ही पूरा नहीं किया, नियमितकरण का अभी तक उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया। उन्होंने बी डी गल्ला साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 3 साल में कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें कोई बहस ही नहीं हुई, और आज जाके हमें एक कैबिनेट मीटिंग में अनुमोदन करते हैं कि साहब हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि आपको सेवा नियम बनाएंगे। अरे सेवा नियम क्या, हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उसके नियम के तहत ही तो कर रहे हैं, आज हमारा क्या सेवा नियम बन रहा है, हमें नियमितीकरण चाहिए, सिर्फ नियमितीकरण हमें नियमित किया जाए। तो मेरी सरकार से और सारे समाज के लोगों से मेरे आह्वान है कि जो शोषण युवाओं के साथ बेरोजगारों के साथ सरकार कर रही है उनका भरपूर सहयोग दें,
और इस सरकार को एहसास कराएं कि जो वादे किए वो आपको निभाना पड़ेगा। आज समाज में जो युवा है बेरोजगार है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उस स्थिति से हमें निकलना है। तो उसमें अपने बच्चे भी है, मेरे भाई भी होगा, किसी का भाई है, किसी का बंदा है, किसी का रिश्तेदार है। आप अगर जब जुड़ोगे तो ये आंदोलन सक्सेस होगा और इस आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये रीट एग्ज़ाम है, इसकी CBI जांच भी होगी और फिर इसके जो भी गुनहगार है वो सामने आएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थान के लागे सरकार ने कौन सा कदम उठाना चाहिए जी आज धांधली है रुके और सरकार में कमी कड़े आ रही है जी के कारण सारी चीज़ हो रही? सरकार में कमी है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। सरकार उस सिस्टम का हिस्सा है। अगर सरकार नहीं सरकार चाहे तो निष्पक्षता और पारदर्शिता से हर परीक्षा हो सकती है, लेकिन सरकारी सिस्टम नीचे से लेकर ऊपर तक पारदर्शी नहीं है और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। अगर सरकार चाहे तो निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता से अगर एग्जाम कराए तो सभी जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य संवर सकता है। अभी आपने झुंझुनू का CRPF के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट ही विकास जाखड़ जो कि इंदिरा नगर का निवासी ही वह भी इस्तीफो दिया जो सरकारी भर्ती वहाँ के अंदर जो धांधली चल रही है अभी के खिलाफ और बाकी वाइफ को भी वो खेणो है कि अगर आपकी जो मांग है वह नहीं मानी गई तो आने वाला टाइम में वह भी आपकी नौकरियों इस्तीफा दे देंगी। इस मामले में थारी के राय है, थानो कदम सही लगा या गलत लगा? सबसे है पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि झुंझुनू की जो भूमि है ये वीरों की मतलब की भूमि है और विकास शहर जिन्हें आज ही मतलब कि परिचय नहीं दिया, इस सेना ने भी इनका जो जज्बा माना इसीलिए इन्होंने शौर्य चक्कर मतलब कि दिया। आज मतलब कि युवाओं की समस्याओं को लेकर अपनी नौकरी की मतलब कि आवृत्ति मतलब कि दी है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं विकास जी को सलूट करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे मतलब कि ये जो जज्बे वाले व्यक्ति जो निकलते हैं जो युवाओं की जबकि आवाज़ मतलब बनते हैं, इसके लिए मतलब कि एक सामान्य है युवा अपनी बात को पहुंचाए तो उसकी पहुंचती नहीं है, लेकिन विकास जैसे है युवाओं की ही बात जब पहुंचेगी तो सरकार को भी मतलब कि झुकना पड़ेगा। विकास जाखड़ CM ने भी 5 सूत्रीय मांगा को एक ज्ञापन भेजो है, वह 5 सूत्रीय मांग कौन सी वह मैं थान बता सें अभी। वह मांग कुछ है ही रीट परीक्षा निरस्त करके फिर 1 माह के अंदर बिन वापिस कराया जा, पहली मांग तो यह है। दूसरी यह है कि रीट परीक्षा में जो धांधली हुई हैं बाकी CBI जाँच करवाई जा। भी के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन DP जरोलिन तत्काल हटाने की मांग भी है और समयबद्ध और अबाध रूप परीक्षाएं करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी को गठन करो जा ताकि जो धांधली है वह रुक सके। विधानसभा में नकल माफिया के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाए क्योंकि रीट की जो परीक्षा हुई को थान भी पता है अभी के अंदर पेपर लीक की घटना सामने आई ही और जो अशोक गहलोत सरकार है वह भी मामला के अंदर कुछ भी कौन कर पाई ही अभी घटना रोकने विफल रही है। आ बात सारा जो बढ़ती हैं आगे खिलाफ और जो भ्रष्टाचार है भी के खिलाफ है 5 सूत्रीय मांग विकास जाखड़ CM ने भेजी। 23 नवंबर 2016 में झारखंड के जिले लथार के अंदर जो नक्सली हमलो हुए हो व नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में भी विकास जाखड़ को बहुत नाम हुए हो भी के अंदर वह कुल 7 नक्सलियान मारे हो जिकले की जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद भगवान शौर्य चक्रू भी नवाजे हो भी पूरा ऑपरेशन के अंदर वह 23 किलोमीटर पैदल चाल की व नक्सलों मुठभेड़ करी और बाद में बन मार गिरे हो। आ की जो आ पूरी कहानी है आ कक्षा 8 के अंदर भी पढ़ाई भी जा है फौजी की जो वीर गाथा पढ़ की बच्चा बड़ा हो रहे हैं भाई खुद इतना परेशान होगा अपना जो सिस्टम है सरकारी सिस्टम भी हूँ कि वन आपको इस्तीफो देना पड़े। विकास जाखड़ की 9 साल की नौकरी पूरी हो चुकी है और अभी 24 साल की नौकरी आ की और बच रही है। अभी आ की उम्र महज 36 साल है और इतनी छोटी सी उम्र में इस्तीफो देने जय को बड़ो कदम उठा रहे हैं। आकी पत्नी सुमन जो कि जयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग अधिकारी हैं बाको भी यही कहना है कि अगर आकी मांगा पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे और आकी मांग नहीं मानेगी तो वह भी आने वाला टाइम के अंदर इस्तीफा दे देंगे। थान लोगों की राय भी दिखाई भी कला पूर्व के मामलों को थान समझा दियो थारी नज़र में सरकार ने आएगा कौन सा कदम उठाना चाहें जो भ्रष्टाचार जी की रुक जाए बिल्कुल नीचे कमेंट करके ज़रूर बतायो। भी के अलावा जो असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ जी को कदम है वो थान कड़े तक सही लागो भाभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बतायो। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे इकले कन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ। जय हिंद जय झुंझुनू।